चलो भाई, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है ये, भारत का भौगोलिक परिचय। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो आए होंगे वो कवर कर लेंगे और कुछ वन लाइनर कवर कर लेंगे। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन है जो एरिया के हिसाब से जो रैंकिंग हमारे स्टेट्स की है उसके पूछा गया है। और देखो इत्तेफाक की बात, देखो कि क्वेश्चन पीछे से आए हुए क्वेश्चन नहीं है। हाँ एक मिनट जूम कर दें, अभी एक मिनट। देखा ठीक है। अच्छा कल कुछ लोगों ने इसे ये भी गड़बड़ किया था ना कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तुमने किया था गलत। कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? फिर यूपी पाँचवें नंबर पे है, यूपी पाँचवें नंबर पे है। ठीक है ना, चलो ये इसलिए बोल रहे ना, कभी कभी बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं और खासकर जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें पक्का पूछ लेंगे। पॉपुलेशन वाइज नंबर वन पे है, एरिया वाइज यूपी पाँचवें नंबर पे है। ठीक है, एक चीज़ तुम्हें और देखनी है कि वो साइज, अरे सॉरी सॉरी, चौथे पे आंध्र प्रदेश के टुकड़े हो गए, तेलंगाना बन चुका है। आंध्र प्रदेश है सर, पहले पांचवें नंबर पे था तो चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश था, अब तेलंगाना हो गया 2017 के बाद से, तो यूपी आ गया चौथे नंबर पे। ठीक है ना, कभी अब किताबों का नोट्स में जो होता है अपडेशन नहीं हो पाता, इस पर दिक्कत ही आती है। चलो कितने यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज? आठ से हैं। कितने स्टेट्स हैं? एक कम हुआ है स्टेट जम्मू कश्मीर, और दो यूटी बढ़ गए हैं जम्मू कश्मीर। कुछ डिफरेंस है, दादर नगर हवेली और दमन दीव मिला दिया। दादा नगर हवेली और दमन दीव मर्ज हो गए ना। ठीक है, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख वाले में कुछ डिफरेंस है? लद्दाख में शायद विधानसभा, विधानसभा है, और लद्दाख में नहीं है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद क्या होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? अब बात निकली तो मैं पूरा कवर कर लेते हैं। यूपी में है जी? हाँ है सर। है ना, इसमें सर 100 सदस्य हैं सर, 100 सदस्य, 100 हैं। कहाँ चुन के आते हैं ये? ये अच्छा, लोकसभा, लोकसभा सॉरी विधानसभा के एमएलए और विधान परिषद को एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी। ठीक है, और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा विधान परिषद। ठीक है, अब विधानसभा का जो जो एमएलए होगा वो कहाँ से चुन के आएगा, कैसे चुन के आएगा? विधानसभा बताओ, विधानसभा का एमएलए कैसे चुना जाता है? इलेक्शंस, कौन से इलेक्शंस? अरे डायरेक्ट इलेक्शन जो एमएलए वाले होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन जो होते हैं वो। ठीक है ना, अभी फर्क समझोगे तो, मैं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जो एमएलसी वाले वो कैसे होते हैं, जो इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे कि ठीक है कि स्टेट्स के जो, जैसे कि आपका टीचर्स के हो गए, ठीक है कि ग्रेजुएट जो होते हैं, एक बटे बारह वगैरह, एक बटे छः वाले होते हैं। ठीक है, कुछ एक होते हैं कि जो लोग स्नातक होंगे वही खड़े होंगे और वही लोग वोट डालेंगे। अमूमन ये सोचा गया था कि भाई कि जो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा आ सकें इस फील्ड में, इसलिए स्नातक की जो वैकेंसीज रखी गई हैं एमएलसी में। ठीक है, एमएलए में डायरेक्ट होता है। एक चीज़ और है, एमएलए वाले में एक अलग से एक इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन वो सिलेक्ट होकर मतलब नॉमिनेट होते हैं। कौन लोग नॉमिनेट होता है एमएलए वाले इलेक्शन में, विधानसभा वाले इलेक्शन में कुछ लोग नॉमिनेट होते हैं जी? दोनों होते हैं एंग्लो इंडियन, दोनों, एक स्टेट में एक, लोकसभा में दो। अब नहीं है ये बोले आ रहा हूँ, अब नहीं है। एक कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो, आई थिंक 126 है। उसमें एससी एसटी के लिए जो सीट्स थी वो 10 साल के लिए बढ़ा दी गई थी। ठीक है, और उसी के अंदर एंग्लो इंडियंस को ख़त्म कर दिया गया था। मतलब एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं?
उनके पापा खास पापा के डिसेंडेंट में हाँ बाहर के हों विदेशी हों मिक्स में होते हैं जो, ठीक है। विधान परिषद कहाँ कहाँ है? अब तो चला गया जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसमें होगा कि नहीं होगा विधान परिषद? देखिए महाराष्ट्र, ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ सबसे आसान सा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड सर ये प्रशांत रेखाएं होती हैं। हाँ। और लॉन्गिट्यूड सर प्रशांत रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत का आकांक्षीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है? नहीं सर। हैं? सही है सर, और ये भूमध्य रेखा देशांतर रेखा। क्या ये भारत का आकांक्षीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और चौड़ाई क्या, एक मिनट यहाँ से दिखाया जाएगा, और लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है? भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सर्वाधिक है, क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। क्या है पहले समझते हैं, आसान सा बिल्कुल, ये ग्लोब है, ठीक है, एक ये ग्लोब है, तो यहाँ बताएंगे हम पहले लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, ठीक है, हम वाईफाई की तरह कम होती चली जाएगी, जैसे नहीं ये नहीं है, वो लैटिट्यूड वाली है, ये सर ये लैटिट्यूड है ना, ये ऐसी रहती हैं, ठीक है, लैटिट्यूड, ठीक है। यहाँ पे इक्वेटर हो गया 0 डिग्री पे, और ऊपर क्या होता है 23.5 डिग्री पे क्या होता है? कर्क रेखा, और नीचे क्या होती है? मकर रेखा, ठीक है, हो गया, या आर्कटिक जोन हो गया या एंटार्कटिक जोन हो गया, ठीक है, और ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब बाकी बताओ, ये बताओ, इसकी रेखाएं समांतर रहती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा, असल में गलत बन गया थोड़ा सा, इसको एक सबसे बड़ा फर्क जो है वो ये है, वही नहीं बता पाए उसे मैं, एक ही जैसे निकलती है ये, ठीक है, पैरेलल नहीं होंगे, पोल पे ये 0 हो जाएंगे, ठीक है, इक्वेटर पे इनके बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, मतलब एक छोर से निकलते हुए दूसरे छोर पे आती हैं, ऐसे से आएंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ये हो गया, ठीक है। नीचे चलो ये, अच्छा हाँ, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर ये क्या होते हैं? हेमिस्फीयर क्या होता है? गोलार्ध। अगर मैं बोलूँ कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर ये क्या चीज़ है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ध्यान रखना, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, क्या है ये? ये इसमें बता दो क्या है, अगर मैं अभी इसमें बोलता हूँ कि बताओ नॉर्थ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर क्या होगा? ये यहाँ पे जो होगा ये ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, और अगर ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट वेदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये बेसिक चीज़ें हैं थोड़ा जानने समझने के लिए हैं, ठीक है। अच्छा अब आ गया भारत की दुनिया की दृष्टि में कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। ओके, पॉपुलेशन में उसी नंबर पर भाई, नंबर वन में कब बन जाएगा, कब तक उम्मीद है? 21 हो रहा है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कब हो जाएगा, 21 और 21 आने वाला है, तो कुछ हो जाता छोटे एग्जाम में आप लोग देखने को मिल जाइए, ठीक है। चाइना की पॉपुलेशन कम हो रही है, एक क्वेश्चन आया था PCS में शायद इसी बार आया था, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होता है ना, फर्टिलिटी रेट होता है कि देश में बच्चे एक औरत के अंदर कितने बच्चे पैदा करने की क्षमता इस समय चल रही है, हिंदुस्तान की जो रिप्लेसमेंट एज होती है फर्टिलिटी वो क्या है, शायद क्वेश्चन आया था ये, 2.1 यही है। अगर इस नंबर पे मतलब कि एक औरत 2.1 बच्चे पैदा करे, मतलब 2.1 तो नहीं पाएगा, मतलब दो बच्चे ज़्यादा है, इसके बाद क्या होगा कि जितने लोग मर रहे हैं जितने जी रहे हैं ये बराबर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, इससे कम हो रहा है इसका मतलब है कि मर ज़्यादा रहे हैं और मतलब पॉपुलेशन कम होती जा रही है, कम होगी, और इससे ज़्यादा होगा तो फिर बढ़ जाएगी, ठीक है, तो फर्टिलिटी रेट कम हुआ है हमारे देश में, यूपी में, इंडिया में कम से कम 7 से 8 स्टेट ऐसे हैं जिसमें फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है, लगभग 7 से 8 स्टेट ऐसे हैं, ठीक है। इस अच्छा चाइना में क्या होगा, चाइना में अगर 2.1 से ज़्यादा होगा 2.1 से कम होगा, चाइना में 2.1 से ज़्यादा होगा 2.1 से कम होगा, कम होगा, क्यों कम होगा, क्यों कम होगा, क्यों कम होगा,
भाई चाइना की पॉपुलेशन कम हो रही है, मृत्यु दर ज़्यादा हो रही है, क्यों जन्म दर कम हो रही है? कुछ सुना कभी चाइना की तरफ से कुछ पॉपुलेशन कम करें? हाँ, वन चाइल्ड पॉलिसी जो होती है, एक बच्चा के पैदा करने के लिए, खासकर शहरों के लिए एक बच्चा होगा, ठीक है। हाँ, अब ओल्डर पॉपुलेशन हो गई है, क्योंकि अभी इंडिया में क्या भाई दो बच्चे हो सकते हैं, तीन बच्चे हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, आराम से बच्चे हो सकते हैं। वहाँ पे क्या एक ही बच्चा होगा, खासकर शहर में एक ही होगा, और एक से ज़्यादा होते हैं तो उस पर लगता टैक्स, ठीक है। अब लेकिन पिछले कुछ सालों के बाद जो देखा जा रहा है कि उन्होंने वो पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है, अब वो नॉर्मल हो गया है। क्योंकि दिक्कत क्या होगा, ऐसा दिक्कत और क्या होगा इससे, जो पॉपुलेशन उनकी कम होना होगी उससे दिक्कत क्या हो सकती है, क्या हुई होगी दिक्कत? सोल्जर कम मिल जाएंगे, कम मिलेंगे सोल्जर। अमूमन ये भी सकता है कि युद्ध में जाने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाएं, बीच में थोड़ा सा इंडियन मीडिया ने निकाला था कि भाई चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है और इसलिए वो जो सोल्जर हैं वो लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो मर गए तो उनके माता पिता कौन संभालेगा। ये इंडिया ने काफ़ी इसका मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा उठाया था इस चीज़ को। अब सच है झूठे क्या बात है, लेकिन ये सच्चाई, तो भाई एक ही बच्चा होगा तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, एक चीज़ और भी है ना, ओल्डर जनरेशन ज़्यादा हो जाएगी, जो मार्केट है वो मार्केट कम हो जाएगी, फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंडिया का भाई मुझे बताओ, इसको खोल दो, इंडिया का ये लैटिट्यूड टू लॉन्गिट्यूड क्या होता है, कितना है? क्या? इंडिया का, अरे लिखा तो देखो क्या, अरे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, हाँ, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, यहाँ से और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। क्या नॉर्थ की साउथ, ऊपर नॉर्थ, अगर मैं ये लिखता हूँ 8 से नॉर्थ, अरे रुक जा भैया मेरे, ठीक है, तुमने कहा था 8.4 बोला ना तुमने, तो इसमें से कौन सही होगा? नॉर्थ सही होगा भाई, समझ नहीं रहे हो तुम उसको, इसको समझ नहीं पा रहे हो क्या हो ये, समझ नहीं पा रहे उसको नहीं नॉर्थ क्या है। अरे अभी हेमिस्फीयर बताया था भाई मैंने तुम्हें, क्योंकि इंडिया जो है इक्वेटर से ऊपर है इसलिए वो नॉर्थ आएगा, कई बार सवाल आता है ये, सिंपल सी बात है ना, ये चेक करने के लिए एन लगाना जरूरी है, कई बार होता है ना ये गड़बड़ कर देते कि एन और एस कह रहा है, ठीक है ना, ये एन क्योंकि इंडिया जो है वो इक्वेटर से ऊपर है, इंडिया यहाँ पर है ना, ऐसा कुछ बना हुआ है ना, ये इंडिया है ना। अच्छा 8.4 तुमने बोला, लेकिन मैं तुमसे कहूँ कि अगर मान लो गलत है तो तुम मानोगे इसको कि 8.4 नहीं होगा, यहाँ पर 6.4 होगा, 6.4 ना, क्या सही है गलत है? मैं सही बोलूँ गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं सर, एग्जाम में ये वाला सही दिया है 8.4, मैं अगर 6.4 बोलूँ सही है गलत है? सर एक वाला, अब इसका कोई लॉजिक होगा तो सही, 6.4 सही है गलत है? ये भी सही है, लेकिन ये भी सही है, कैसे? ये देश का नक्शा है वो सर, क्या कन्याकुमारी? अरे कन्याकुमारी से जब नापेंगे, जब मेन लैंड से नापा जाएगा तो कन्याकुमारी से नापा जाता है, ये 8.4 है, लेकिन भाई अंडमान निकोबार भी तो अपना ही है, इंडिया कोल, इंडिया पॉइंट, सॉरी इंडिया पॉइंट जो होता है कहाँ पर है, ये रहा इंडिया पॉइंट, ये कन्याकुमारी से भी नीचे है, 6.4 के ऊपर है ये। क्वेश्चन कैसे आता है, अगर मुख्य मुख्य भूमि से पूछा जाए, मुख्य भूमि, तो ये मुख्य भूमि कन्याकुमारी 8.4 है, लेकिन अगर इंडिया का पूछा जाए तो 6.4 होगा, यहाँ पर याला है नीचे। भाई मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, मुख्य भूमि है कि हिंदुस्तान का कहते हैं, सवाल इसी तरह से आया था, ठीक है। आज सुबह किसी स्टूडेंट ने बोला सर आपने गलत नोट्स दे दिए, उसमें तो आपने 6.4 लिख दिया, इसमें तो 8.4 होता है, तो समझाया इसको मैं, ठीक है। बाकी इधर लैटिट्यूड, ये तो लॉन्गिट्यूड हो गया, सॉरी ये लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड हो गया, ये लॉन्गिट्यूड बताओ क्या होता है? 68.7 से लेकर यहाँ पे कौन होगा 98.25, 97.25, ठीक है भैया। ऐसा मैं ना ये फैक्ट्स याद कर लेना, थोड़े से याद मुझे कम हो पाते हैं, नंबर में भूल ही जाता हूँ मैं इनको, ठीक है। कितना ये 37.6 से लेकर 97.5 तक, ये हो गया ईस्ट की वेस्ट, कैसे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर मैं तुमसे ये बोलूं 97. क्या बोला तुमने 25, ये ना क्या था ये 8.68.75 ईस्ट और ईस्ट
और लिखा है 68.75 साउथ सॉरी वेस्ट और 97.25 वेस्ट। कौन सही है? ऊपर वाला बोल रहे सही है। क्यों सही है? कैसे पता है कि ये सही है? सर जो यमकर रेखा से देखा जाएगा तो कहाँ से देखा जाएगा? यमकर रेखा से। हाँ ये वाली ये देखा देख रहे हो ना, ग्रीनविच टाइम से कहते हैं। ठीक है, इसके इधर जो चीज़ें होंगी वो ईस्ट होंगी, इसके इधर चीज़ें जो होंगी तो वेस्ट होंगी। इंडिया और ईस्ट की तरफ है। अमूमन सवाल कैसे पूछा जाता है कि भाई ये डिफरेंस पूछ लेंगे, ईस्ट वेस्ट का पूछ लेंगे। अभी अभी सवाल आएगा, बताएंगे तुम्हें कैसे। ठीक है, फोटो ऐसे देख लो, इसमें सब नोट्स हैं। चलो एक नाम सुना वो, अरे एडम्स ब्रिज कहाँ है? ठीक है, एडम्स ब्रिज कहाँ है पूजा? आदम आदम का पुल क्या था जो दिख रहा है यहाँ पे इस पन्ने में, नहीं दिख रहा है इस मैप में कहाँ? यहाँ पे ये देखो। ठीक है, ये एडम्स ब्रिज है रामेश्वरम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कई बार सवाल पूछा था, इसी इलाके का पूछा था। कुछ लोग इंडिया वाले बोलते हैं कि ये रामायण के टाइम का है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये कोरल रीच है हो जाए। ठीक है, अब उसमें तो नहीं जाएंगे कि रामायण के टाइम का था या नहीं था, वो तो खैर अलग मुद्दा हो जाएगा। लेकिन इंडिया श्रीलंका के बीच में जो आता है वो एडम्स ब्रिज हो गया। रामेश्वरम यहाँ पर है, पाल्क बे होता है, पाल्क बे वो यहीं पर है। कई पूछा भी आता पाल्क बे, मन्नारी खाड़ी भी यहीं पर पूछी जाती है, मार्क स्टेट यहीं पर है। ठीक है, और यहाँ पर मन्नारी खाड़ी भी यहीं पर है, मार्क पाल्क स्टेट। सवाल ये क्वेश्चन आते हैं ना, कह रहा हूँ ये जुड़ा हुआ है ना पाल्क स्टेट, यहाँ पर देखो है स्टेट का मतलब होता है पानी की थोड़ी छोटी सी एक जल संधि होती है, छोटा सा होता है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार देखो, गल्फ ऑफ मन्नार पाल्क स्टेट, याद रखना दोनों चीज़ें। ये गल्फ ऑफ मन्नार पूछा गया है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, एक चीज़ में और था फिर बाद में आएगा वो। इकोनॉमिक जोन क्या होता है भाई? ई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? सर यहाँ पे सिर्फ मतलब वहाँ के खनिज और मिनरल्स हैं वो जिसकी कंट्री के उसमें आते हैं इकोनॉमिक जोन में। एक्सक्लूसिव इंडिया के संदर्भ बताओ, ई ई जेड इंडिया का सर क्या है ये एक्सक्लूसिव? ये पूछा गया कि कितना साइज है इसका, साइज जो है वो 2.02 मिलियन। अरेबियन सागर में 48% है और उधर बे ऑफ बंगाल में 22% है और नीचे अंडमान निकोबार में 30% है। ठीक है, ठीक है, असल में देखो मेन लैंड होता है ना ये, जैसे कि समुद्र है ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर दिखाएंगे तुम्हें, जैसे कि देखो ये, अब यहाँ से अगर लैंड से नापा जाएगा तो कुछ लगभग 200 किलोमीटर तक जो होता है वहाँ तक आदमी का, मतलब जिस कंट्री का बॉर्डर होता है या जिसका कंट्री का लैंड होता है वो वहाँ का उसके राइट्स होते हैं अपने मिल जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन उससे आगे थोड़ा सा और जाओगे तो वहाँ पर ईईजेड वगैरह सब आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, कौन है भाई? अच्छा चलो, हाँ कुछ, हाँ कुछ, हाँ होता है इंडिया के पर्पस पे है, उसके बाहर जाएगा तो वो इंटरनेशनल इंटरनेशनल सी घोषित कर दी जाती है, इंटरनेशनल बॉर्डर से कहते हैं। उसमें क्या होगा कि आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते वहाँ पे आप। ठीक है, फिर ये 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, तो इसको सर किलोमीटर में कितना होता है? क्या 2.02 मिलियन साइज पूछा चलो। ठीक है, अच्छा ये बताओ रामेश्वरम कहाँ पर है? अच्छा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा आइलैंड स्थित है? रामेश्वरम अभी बताया था। ठीक है, सब आसान आसान क्वेश्चन है ये। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? कहाँ से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आठ हैं, आठ। ठीक है, सैटेलाइट कंट्री बिखा रही है।
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से, इलाहाबाद प्रयागराज, नैनी नैनी और कहाँ कौन कौन से स्टेट से गुजरती है? हाँ एक दो तीन चार पाँच, ठीक है यहाँ से गुजरेगी ऊपर से लेते हैं, यहाँ से आएगी ना ये है देखो ये, हाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, ठीक है। इंडिया शब्द की सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया है? इंडिया शब्द जो है किसने यूज़ किया है? चलो ठीक है, ठीक है। और अरेबियंस क्या, अरेबियंस क्या बोला था, अरेबियंस ने क्या नाम दिया था? ये तो ग्रीक ने बोल दिया, पर्शियन ये कह लो, पर्शियन या अरबियों ने क्या नाम दिया था इंडिया को? हिंदू, हिंदू सिंधु बोलते थे जो, हिंदुस्तान वगैरह जो है था। अच्छा भारत की सबसे, अरे वाह रट लियो, ठीक है हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है। गुजरात पे सबसे लंबी जो समुद्र की जो बॉर्डर है, जो यहाँ से ना यहाँ शुरू होता है ये बॉर्डर, इससे पूरा काउंट कर लेते गुजरात है नंबर वन पे, ठीक है। अच्छा अब ये कि अच्छा एक बार सवाल ये आया था, मलाबार हिल कोस्ट क्या होता है, कौन सा है मलाबार कोस्ट? मलाबार कोस्ट इससे जुड़ा हुआ है, ये तो कोस्ट हो गया। गुजरात जो है सबसे ज़्यादा, गुजरात से आपने कहा, गुजरात से गोवा तक आपने कहा मलाबार, सही कहा उन्होंने, मलाबार हिल्स के बारे में, मलाबार कोस्ट के बारे में नहीं पता, नहीं पता। कथाईवाड़ा ये कहते हैं, कथाईवाड़ा कहते हैं, कथाईवाड़ा कथाईवाड़ा गुजरात से गोवा तक कथाईवाड़ा, यहाँ से यहाँ तक मलाबार, मलाबार केरल, खासकर केरल और ये कर्नाटक का जो होता है ये मलाबार कहते हैं, मलाबार याद रखना, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। कथाईवाड़ा से लेकर यहाँ तक गुजरात तक हो गया, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपका मलाबार, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा हैं, कोरमंडल, कोरमंडल कोस्ट होती है, ठीक है यहाँ से यहाँ तक हो जाती है। और उसके बाद उत्कल कहाँ से होगा, चलो हमारे नेशनल एंथम में भी उत्कल आसान है, उड़ीसा को बोलते हैं उत्कल। सवाल ये आया था, ये आए थे कोरमंडल आया था, मलाबार आया था, ये आए थे दोनों, ठीक है ना। कोंकण, कोंकण कहाँ है, ये आया था समय, तीन आए थे कोंकण, कोरमंडल और मलाबार। देखो कठाईवाड़ा, कठाईवाड़ा ये गुजरात को बोलते हैं कठाईवाड़ा, ठीक है। यहाँ तो महाराष्ट्र और गोवा को बोलते हैं कोंकण, कौन क्योंकि आप एक कोंकणी लैंग्वेज सुनी होगी, कोंकणी गोवा में बोलते हैं, तो ये है कोंकणी। उसके बाद है मलाबार नीचे, यहाँ चला गया तो कोरमंडल और ये उत्कल यहाँ पर आ गया, उत्कल यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये तीन चार चीज़ें सवाल अभी मेरे ख्याल 2016-17 में पूछा गया ये सवाल, ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा कहाँ बनता है हिंदुस्तान के अंदर, किस तरह बनता है, इधर बनता है, इधर बनता है, इधर क्या बनता है, इधर क्यों नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है? तो यहाँ तो नर्मदा और ताप्ती भी तो जाती है, तो क्यों नहीं बनाती हैं, स्लोप किधर कम हो जाता है, इधर किधर, स्लोप यहाँ कम हो जाता है, इधर और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होगा, उससे स्लोप से क्या होता है, स्पीड ज़्यादा होगी, और स्पीड ज़्यादा होगी, इधर स्पीड ज़्यादा होगी, स्लोप मतलब स्लोप ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो क्या बनता है, एस्चुरी बनते हैं, ठीक है ना, ठीक है। देखो जो रिवर्स हैं, नदियाँ जो हैं अपने साथ क्या लेकर आती हैं, मलबा लेकर आती हैं, पत्थर मिट्टी सब लेकर आएंगी, पहाड़ों से आती हैं लेते चली आती हैं, स्लोप ज़्यादा होती है, ठीक है, तो पानी के बहाव के साथ मिट्टी चलती रहती है। जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं इधर वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर स्लोप बिल्कुल कम हो जाती है, इतना कम होता है कि पानी का बहाव बहुत कम हो जाता है, पावर नहीं होती है तो अपने साथ मिट्टी और मलबा ले नहीं आ पाती है,
ठीक है, वो छोड़ देती है वहीं पर। छोड़ देने के कारण क्या होता है कि पूरा जो इलाका है जो मिट्टी से नई, और ये नई मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए यहाँ पे जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है यहाँ पर, ठीक है। और ये डेल्टा बना देते हैं ये लोग, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा जो होता है ये बांग्लादेश और ये वेस्ट बंगाल के पास में ही है सुंदरबन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की जो रिवर्स होती हैं, चूँकि हम स्लोप ज़्यादा तेज़ होती है तो पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, तो मिट्टी वो नदी मिट्टी छोड़ती नहीं है, मिट्टी को अपने साथ लेकर मिट्टी में यहाँ आती है, समुद्र के अंदर ही घुस जाते हैं आगे लोग, और ये इसके अंदर बनता है ना कि यहाँ बनता है। डेल्टा लैंड बनेगा लेकिन एस्चुरीज जो होती हैं वो अंदर बनती हैं, समुद्र के अंदर जाके बनती है। और कई तरह की हैं, मैंने कहा था बर्ड फूड एस्चुरीज और ये सब थी, अलग अलग नाम के बताते हैं मैं तुम लोगों को, अलग अलग तरह तरीके से बनती है ना, अलग तरीके से बनती हैं, ठीक है। वो बाद में कर लेंगे इसको, फिंगर वाली हो गई, ठीक है, इस तरह की होती है। अच्छा, जो अभी कोस्टल लैंड बात हुई थी, सबसे बड़ा कोस्ट गुजरात का होता है, सेकंड नंबर पर कौन सा है, सबसे ज़्यादा जो गुजरात है सबसे बड़ा कोस्ट इंडिया का तट, सेकंड नंबर पर कौन सा है, तमिलनाडु, अरे आंध्र प्रदेश अदन तमिलनाडु, ठीक है, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। नंबर वन गुजरात, सेकंड पर आंध्रा, थर्ड पर तमिलनाडु, ठीक है। ये पूछते कभी कभी ऊपर नीचे पूछ लेंगे, अगर पहला नहीं पूछेंगे तो दूसरा तीसरा चौथा पूछ लेंगे। कोस तट 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 जो समुद्र साथ मिल रहा है, तट ये ये तटीय कोस्ट। अच्छा, क्वेश्चन तो और देखते हैं। एक एक वर्ड है एमराल्ड आइलैंड, एमराल्ड कहते हैं, एमराल्ड आइलैंड ये क्या होता है, एमराल्ड आइलैंड कौन से होते हैं शब्द, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एमराल्ड, एमराल्ड का मतलब क्या होता है, पत्थर सोना, वो स्टोन स्टोन जो होते हैं ना, हाँ, तो इंडिया में कहाँ बोले, कहाँ पर है वो, लक्षद्वीप है कि अंडमान निकोबार है, एमराल्ड आइलैंड कहाँ है भाई, अंडमान निकोबार, इसको बोलते हैं एमराल्ड आइलैंड, क्यों, क्योंकि देखो ना ये छोटे टापू हैं इसको एमराल्ड बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। ये एमराल्ड आइलैंड इनको बोलता है, पूछा जाए क्या होता है एमराल्ड आइलैंड, तो ये होते हैं जो आपने कहा कोरल, कोरल क्या होते हैं, सीप होते हैं, कोरल आइलैंड एक वो असल में जंतु होता है उसके ऊपर, हाँ वो मरते, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट के जो उसके खोल बनते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जब मरते आएंगे वो ऊपर आके जमना शुरू हो जाते हैं, मतलब छोटे 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 होते हैं वो ऊपर आके यहाँ पर ऐसे आके जम जाएंगे, ठीक है, और फिर इतना फिर वक्त के साथ बहुत मजबूत हो जाते हैं ये लोग, जीव छोटे जीव होते हैं, ठीक है, और ये पूरा ये समझ लो कि ये कोरल आइलैंड बन जाएगा, कोरल आइलैंड कहते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कोरल आइलैंड सही है, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, इकोसिस्टम में हेल्प करते हैं, क्या हेल्प करते हैं, मछलियों को खाना और कोरल रीफ को होते हैं, हाँ अलग अलग शेप के होते हैं, कभी ग्राउंड फिगर में हो जाएंगे, कभी ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, क्यों होते हैं, ये कई बार सवाल पूछा गया है, कोरल एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, 17 में आया सर यूपीएससी में, आया था, हाँ। कोरल ब्लीचिंग शब्द सुना है, जी हाँ सुना है, क्या है कोरल ब्लीचिंग, पानी जब साफ नहीं होगा तो प्रॉब्लम, तो पानी पोल्यूशन करेगा ना पानी, तो जाहिर सी बात है अगर पानी में मछली वगैरह है तो अगर वो नहीं रहेगा तो खराब तो होगा ना सर, इससे कोरल ब्लीचिंग क्या हो सकता है, देखो कोरल कोरल्स का एक कहानी होती है कि कोरल बहुत ही स्वच्छ वातावरण में रहते हैं ये लोग, अमूमन हाँ 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मैं अगर समुद्र का जो पानी है इतना टेम्परेचर पे है तो ये बड़े मस्त जीवन काटते हैं, लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, समुद्र का पानी ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये ब्लीच होना, ब्लीच का मतलब वाइट हो जाना, सफ़ेद हो जाना, तो कलरफुल की जगह वो वाइट हो जाते हैं, ब्लीच होता है ना, ब्लीच यूज़ किया जाता है सफाई के लिए यूज़ किया जाता है तो वाइट हो जाते हैं, उनका रंग वो फेड हो जाता है, तो ये एक इंडिकेटर है, अगर कोरल हैं तो ये इंडिकेट करता है कि यार ये यहाँ पर एनवायरनमेंट सही है, और नहीं है या वाइट हो गए तो इसका मतलब एनवायरनमेंट खराब हो रखा है। इसी की तरह से पहाड़ों में भी होता है एक चीज़ जो इंडिकेट करता है, क्या ये सवाल 2017 में आया था, समुद्र में तो कोरल है, पहाड़ों में बताने के लिए कौन होगा, मैं जीव जंतु की बात कर रहा हूँ, मैं लाइचेन, लाइकेन लाइचेन जिसे बोलते हैं, देखा है कभी देखा पहाड़ गए कभी, अरे लाइकेन छोटे छोटे होते हैं यार, ऐसे पत्थर मानो है, पत्थर की जड़ पे छोटे छोटे मशरूम के टाइप के बन जाएंगे ये, देखा ना छोटे छोटे बन जाते हैं यहाँ बन जाते हैं, ये इंडिकेट करता है कि वातावरण अच्छा है, अगर है तो अच्छा है, सवाल ये आया हुआ है ये,
क्या था, LICHEN था ना, LICHEN ये था स्पेलिंग होती है, ठीक है। एनवायरमेंट, चलो निम्न देखिए, तो कौन सा राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है, बता दो इसी सवाल ये बता दो, म्यांमार और इंडिया के बीच जो बाउंड्री बनती है तो कौन कौन से स्टेट से गुजर के बनती है। ठीक है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, याद रखना चार हैं, अभी तो दिख गया तो याद हो गया, याद है, याद कर लेना है ना, याद कर लेना। अब अमूमन लोग यहाँ पे घबरा मतलब गड़बड़ हो जाती है मेघालय मिजोरम के बारे में। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, ठीक है, मेघालय यहाँ पर है, ये मेघालय है जी सर। यहाँ पे बारिश क्यों होती है, 11,000 फुट सर, बारिश क्यों होती है, बारिश सबसे ज़्यादा पता लग गया आपको होती है, क्यों बारिश होती है, ये हो गया खराब हो गया। यहाँ पर ना पहाड़ हैं तीन, क्या गारो कासी हिल जो होती हैं, ठीक है, जयंतिया, ठीक है, ये तीन ऐसे में ऐसे शेप में हैं, ये तीनों आपस में इस तरह से हैं, मतलब इस तरह से हैं। अब बादल जो आते हैं वो फंस जाते हैं इसके अंदर, इसमें फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, और बारिश करते जाते करते जाते हैं क्योंकि तो वो घिर घिर जाते हैं, ठीक है, इसलिए होता है। वो चीफ मिनिस्टर के नाम पता है, सीएम के नाम पता है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के किसी भी सीएम का नाम पता है, त्रिपुरा के सीएम कौन है, कौन सी पार्टी है, बीजेपी, पहले कौन सी थी, पहले भी बीजेपी, पहले भाई गलत हो गया, कांग्रेस, गलत हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी थी यहाँ पे, मानिक सरकार हुआ करते थे पहले, मानिक सरकार, ठीक है ना, ये तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, बाद में आपा बीरेन सिंह आए ना खास ना, चलो ठीक है। वहाँ के सीएम याद नहीं हो, बड़ा मुश्किल होते हैं। चलो ये तो खत्म हो गया इसका, मैं फिर कुछ क्वेश्चन और पूछूंगा मैं। सर कम्युनिस्ट पार्टी मान लीजिए एक स्टेट में है इंडिया के, हाँ, तो वो अपने हिसाब से कम्युनिस्ट किस तरीके से चलाएगी क्या फिर वो अपना, कहाँ एक स्टेट में है, जैसे मैं आप बता रहे थे कि वहाँ पे पहले कम्युनिस्ट पार्टी थी, हाँ मानी सरकार था, काफी दिनों से थे, बहुत दिनों से थे, तो वो लोग फिर क्या, कम्युनिस्ट में तो ये होता है ना कि सारा जो रिसोर्सेज है वो सरकार का है, तो असल में देखो जैसे कि ऐसा नहीं होता ना, एक कम्युनिज्म एक विचारधारा है, एक कॉन्सेप्ट है, अब जैसे कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद भी, ये भी विचारधारा है, इंडिया में पूंजीवाद है कि नहीं है, इंडिया क्या है, मिक्स है, कुछ पूंजीवाद है कुछ समाजवाद है, अमेरिका में क्या पूरा अमूमन पूरा पूंजीवाद है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वो चला, लेकिन कॉन्सेप्ट जब इंडिया में आया तो यहाँ के हिसाब से अडेप्ट हुआ ना, कितना पूंजीवाद करना है कितना, तभी तो इंडिया ने मिक्स कर दिया कि पूरी तरह से पूंजीवाद होना भी सही नहीं है और पूरी तरह से कम्युनिज्म भी होना सही नहीं है। जो यारे नेता होते हैं इनकी विचारधारा ऐसी होती है कि हाँ भाई प्राइवेटाइजेशन कम करेंगे और अमूमन जो रिसोर्सेज हैं वो देश के लोगों के लिए होने चाहिए, ये सोच है, करते हैं नहीं करते हैं ये अलग बात है, अब वो किस लेवल पर करते हैं, पूरा करते हैं 100% करते हैं कि 30% करते हैं 20% करते हैं, ये होता है। लेकिन मानी सरकार अच्छे नेता माने आते थे और काफ़ी मतलब ऐसे सीएम थे कि जो मतलब अपने पास उन्होंने कुछ भी रखा नहीं है यहाँ तक, क्योंकि जो वाइफ थी, वाइफ टीचर हुआ करती थी तो उनके पैसे से घर चलता था, अपनी सैलरी भी जो मानी सरकार ने वो अब पार्टी को दे देते थे, वो अच्छा था, मतलब ऐसे नेता होने चाहिए हमारे देश में, अब किसी पार्टी की हो लेकिन नेता होना चाहिए ऐसे। अब कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछते हैं, ठीक है, फटाफट करके पूछते हैं। हाँ सर, जीरो लाइन कहाँ पर है, जीरो लाइन कहाँ पर है, जीरो लाइन इंडिया में, हाँ जीरो लाइन, जीरो लाइन, लाइन नहीं 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 वो नहीं है, जीरो लाइन जो है वो त्रिपुरा बांग्लादेश का जो बॉर्डर है यहाँ पर जीरो लाइन आती है, त्रिपुरा और बांग्लादेश ये त्रिपुरा ना जीरो लाइन है, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा कंट्री है स्टेट है जो तीन जगह से घिरा हुआ है, जीरो लाइन इसको है, या ये इसीलिए कहा ये फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इनके जो बॉर्डर को
जीरो लाइन बोला गया है इस बॉर्डर को, त्रिपुरा और म्यांमार, त्रिपुरा बांग्लादेश के जो बॉर्डर है इसको जीरो लाइन की उपमा दी गई है, जैसे डूरन लाइन होती है, मैकमोन लाइन होती है, वैसे जीरो लाइन है, ठीक है, रेड क्लिफ होती है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ एक इशू चल रहा है, कहाँ पे, कश्मीर में नहीं, गुजरात में, गुजरात में कौन सा इशू है वो पाकिस्तान के साथ? अंबानी से रिलेटेड हुआ है, अंबानी से रिलेटेड हुआ, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मसला चल रहा है गुजरात के पास, कौन सा, रन ऑफ कच्छ, देखा रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रन जो होते कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे चल रहा है, ठीक है, कच्छ ऑफ रन के पे जो है 24 उस पर लैटीट्यूड पे है, तीन दीवार चल रहे हैं, ये रन ऑफ कच्छ है ना, ये इसके ऊपर है, तो असल में वो लोग बोलते हैं कि 24 जो डिवाइड करा जाए तो 24 के हिसाब से डिवाइड किया जाए, इंडिया का जो 24.5 से किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई झील वगैरह हुआ करती थी, इसको उस पर उसको डिवाइड करने की बात चल रही है। अब या तो अब जैसे मान लो झील है, अब झील जो है वो कहाँ से डिवाइड की जाएगी, या तो यहाँ से गिन सकते हैं उसको, या तो उसको यहाँ से गिन सकते हैं, या तो यहाँ से गिन सकते हैं इसको। अमूमन ये रूल है कि कोई अगर पानी का कोई वह है तो उसको 20 से ही वो मानी जाएगी, जैसे कि आजकल इंडिया चाइना के बीच में चल रहा है जो लद्दाख में कौन सी घाटी है, ओ गलवान घाटी के पास कौन सी झील है, अरे कौन सी लेक है जहाँ पर लड़ाई हो रही है, पैंगोंग शो लेक, पैंगोंग शो, ठीक है, उस पास में पैंगोंग शो बोलते हैं, शो में पैंगोंग शो लेक जो है, वहाँ पर लेक जो है तो आधी उधर डिवाइड है, इधर आधी इधर हमारे पास है, अरे समझ गए, समझ गए, इंडिया बोलता है कि 24.5 से डिवाइड करेंगे तब, क्योंकि इसमें हो सकता है यहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हों, नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हों, यहाँ पर गैस हो, तेल हो, पाकिस्तान बोलता है कि 24 से डिवाइड करो उसको, यहाँ से यहाँ डिवाइड करो, तो ये जो पूरी ये चीज़ है वो उनके पास चला जाए, तो विवाद का मसला ये भी एक है, ठीक है। हाँ आप बताइए, आप क्या बोल रहे थे, पाकिस्तान, हाँ हाँ बस बस वही, हाँ ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। डूरन लाइक इंडिया और किसके बीच में, डूरन लाइक अफगानिस्तान, ऐसे है पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो भी ऑप्शन, इंडिया के बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान से, हाँ मिलता है, सबसे छोटा बॉर्डर है यहाँ पर, ये देखो ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं है, असल में है नहीं, लेकिन माना क्योंकि हमारा अमूमन असल में यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है, ऊपर जाता है, ठीक है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, और इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बंद कर, इंडिया का जो बॉर्डर सबसे ज़्यादा किसके साथ बनता है, बांग्लादेश, सबसे सबसे ज़्यादा बड़ा बॉर्डर जो है इंडिया बांग्लादेश, ये देखो यहाँ से ऐसे, ठीक है। सबसे बॉटम का पॉइंट कौन सा इंडिया का, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, नीचे का, कहाँ, ये ठीक है, उच्चतम ऊपर इंदिरा कॉल, सर इंदिरा कॉल नहीं, क्लिक पास, हैं क्लिक पास, इसका नाम चेंज किया ना इसका, नहीं इंदिरा कॉल जैसे कि वो बीच जम्मू के जस्ट ऊपर का, यहाँ बोल रहे हैं, पढ़ रहा था तो उसने बताया था वो कि इंदिरा कॉल से क्लिक पास अब बदल दिया गया है, देख लेना, चलो अच्छा बच्चे बताओ, वेस्ट कॉल एक साल पुरानी वीडियो में था, क्लिक पास चार मिनट, अच्छा वेस्ट में तो गौर माता गुजरात का गौर माता, ये ठीक है, ईस्ट में किबिको, ठीक है किबिको, याद है, याद कर लेना इसको, ठीक है, हैं सर क्रिक ही तो मसला है, ये रैन ऑफ कच्छ का सर क्रिक बोलते हैं, उन्हीं ने डिवाइड किया था, ठीक है,
अच्छा चलो एक क्वेश्चन जो आईएएस में आया था, 8 डिग्री चैनल जो है वो किसको किसको डिवाइड करता है? एट डिग्री चैनल मिनी क्वाय मालदीव को, ठीक है। समुद्र पूरा है ये, असल में नीचे 8 डिग्री का मतलब है जो लैटिट्यूड से गुजर रहा है पानी 8 डिग्री से, ठीक है। 8 डिग्री यहाँ पर है मिनी क्वाय और मालदीव के बीच में। और 9 डिग्री चैनल किसे करता है? मिनी क्वाय लक्षद्वीप, ठीक है। 10 डिग्री अंडमान निकोबार को यहाँ से करता है, ठीक है। ये आगे इसमें क्वेश्चन आ चुका है अंडमान निकोबार वाला। एक बात भारत का जो कहते हैं ना, आप कभी पहाड़ों पे जाओगे तो वो ये बोलते हैं कि सी लेवल, बोलते हैं कि सी लेवल जो है इस हाइट पे है, 8000 मीटर 5000 मीटर के ऊपर हाइट पे होता है ना, तो जो एवरेज हाइट नापी जाती है इंडिया की वो कहाँ, किस पॉइंट से, किस देश से नापी जाती है, किस सिटी से नापी जाती है? चेन्नई, ठीक है। चेन्नई से हमारा जो समुद्र तल का जो नाप है वहाँ से ली जाती है, ठीक है। सबसे बड़ा जिला, हाँ है कच्छ, कहाँ है कच्छ, कहाँ है गुजरात, ठीक है। सबसे छोटा जिला माहे पौंडीचेरी, ठीक है। पौंडीचेरी अलग अलग है कुछ, हाँ जिले ही अलग अलग जगह पे हैं, एक जगह पे नहीं अलग अलग स्टेट में है वो, ठीक है। जो लोकसभा इलेक्शन होता है ना उसमें सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी होती है, एरिया वाइज सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी होती है, लोकसभा क्षेत्र सबसे छोटा कौन सा था एरिया वाइज? पुरानी दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली का जो लोकसभा क्षेत्र है एरिया वाइज सबसे छोटी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस छोटे एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे। जैसे मान लो 20 लाख के ऊपर करना है, अब 20 लाख चाहे तो 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर हो जाए, चाहे वो 50 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आ जाए, तो 20 लाख जो है वो पुरानी दिल्ली का जो क्षेत्र है जो है सबसे ज़्यादा लोग डेंसिटी वहाँ पर है। सबसे बड़ी कौन सी आती है? सर सीतापुर आती है, नहीं उन्नाव साइज में, ठीक है। अच्छा है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत म्यांमार सीमा का नियंत्रण किन प्राकृतिक पहाड़ियों द्वारा होता है? भारत और म्यांमार की बाउंड्री पे अलग अलग वो हैं पहाड़ हैं, हाँ कौन कौन से पहाड़, याद है कुछ? मिसमी, नाम सुन बाद में लिख लें, नोट्स भेज दूंगा वो, पटकोई, ठीक है, नागा और अराकान रोमा, अराकान या योमा, जब भी नाम याद आ जाए तो यह समझ जाना कि म्यांमार वाला है, ठीक है, अराकान योमा। ये सवाल ये आया हुआ है, आई थिंक आईएएस में आया, पीसीएस कहीं आया हुआ है, ये पूछा था इन्होंने, मिसमी पटकोई नागा किसको डिवाइड करते हैं, बल्कि मिसमी और पटकोई आया था, नागा तो फिर बात नहीं, एक वो आइडिया लगा लेता है कि भाई ये यहीं पर होगा, लेकिन मिसमी और पटकोई का कर पाता है वो, मिसमी पटकोई नागा और अराकान योमा, ठीक है। अच्छा आदम ब्रिज तो हो गया था, पंबन ब्रिज भी है, पंबन द्वीप ब्रिज तो हो गया आदम का, ठीक है, यहीं पर पंबन भी है, यहीं पर द्वीप आइलैंड है वो, ये फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ठीक है तुम्हें, अभी का क्लाइंट कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी इस चीज़ें। चलो चलो देखा अच्छा एक सवाल एक बार आया था ना ये कि जो पांडिचेरी है उसके कहाँ किस किस राज्यों में है? केरल में चलो है, जिसका माहे जो है केरल में है, ठीक है, माहे केरल में है, और तमिलनाडु में तुम्हारा जो मेन पांडिचेरी है, ठीक है, एक है कराईकल तमिलनाडु में है, ठीक है, और एक है यनम, ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो तीन स्टेट्स में हुई गुजरती है, तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर है, यहाँ पर फ्रेंच थे यहाँ पे, इसलिए फ्रेंच, ठीक है।
बाकी जगह अंग्रेज याद करते करके पॉन्डिचेरी में फ्रेंच रुक गए, जो देर तक रुके रह गए उनको अपना सिस्टम बना दिया उन्होंने फिर। हाँ तो थोड़ा सा रह गया, एक पन्ना और रह गया। किस भूगोल वक्ता ने यह कहा था कि भारत को उपमहाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को? ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करना। केसी, कोई केसी को हुआ करते, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया को उपमहाद्वीप कहा जाए इसको, ठीक है। भारत कौन सा स्थान तीन सागरों का संगम करता है? क्या? तीन सागर का संगम होता है किस स्थान पर? किस स्थान पर, किस स्थान पे तीन सागर मिलते हैं? किस स्थान पर, जैसे भाई अपना इलाहाबाद में हो गया, प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती मिल गई, इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये तीनों कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी पे, कन्याकुमारी, ठीक है। नीचे बिल्कुल देखो ना, सब तीनों मिलेंगे उसको, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को किसी और नाम से कहते हैं? हाँ, पिग्मेलियन पॉइंट कहता है इंदिरा पॉइंट को, पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट, हाँ पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट कहता है। देश में सबसे ज़्यादा जिले किसमें हैं, कहाँ के हैं, किस राज्य में जिले, ठीक, कितने 75। सबसे ज़्यादा तहसील कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश। फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी, ठीक है। देश में सबसे ज़्यादा नगर कहाँ पर हैं? नगर सबसे ज़्यादा किस स्टेट में सबसे ज़्यादा नगर हैं? तमिलनाडु में, ठीक है। सबसे ज़्यादा गांव कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा गांव यूपी। अच्छा, एक मैं कल पूछा था नुब्रा घाटी कहाँ पर है, नुब्रा नदी नदी घाटी कहाँ पर है? ये काराकोरम, काराकोरम ग्लेशियर में, ये नुब्रा यहाँ पर आती है, ठीक है। ये शैंगपुर लेक से ऊपर नुब्रा आती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आती है काराकोरम। शियोग नदी भी वहीं आती है, कभी पूछा था शियोग का, पूछा भी जाता है कि कहाँ पर है, किस स्टेट में आती है। अगर स्टेट में पूछा जाए नुब्रा और शियोग दोनों जम्मू कश्मीर की वह हैं नदियाँ, हैं शियोग और नुब्रा। अच्छा, सवाल ये आया था जिसमें बड़ा विवाद भी हुआ था 2016 में कि ग्लेशियर कौन, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? क्या? ग्लेशियर, ग्लेशियर सबसे बड़े, सबसे बड़ा, हाँ। सियाचिन ग्लेशियर में तीन दर्रे हैं, गेसर, ब्रूम, सल्टारो और बिला फुडोला, ठीक है। ये हाँ, ये क्वेश्चन आया था ये, और ये आ गया ऑप्शन मेघदूत आ गया, चैप्टर पूरा था, ख़त्म हो गया यार, सबसे छोटा चैप्टर था। साइंस का भी तैयार नहीं किया मैंने यार, ठीक है, साइंस का कल कर देंगे। फिलहाल सबसे छोटा चैप्टर था, बेसिक चैप्टर था, ठीक है, हो गया। इसके बाद जो आएगा वो आ रहा है आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इसमें कौन सा मिट्टी पहले बनी, क्या बना, क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ के आना। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया लेसन टू, ठीक है। एक बार चैप्टर को पढ़ लेना, ठीक है, इसको, इस चैप्टर को, इस चैप्टर को दोबारा पढ़ लेना। फैक्चुअल चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं था इसके अंदर, फैक्चुअल था, पढ़ लेना एक बार यार, ठीक है। किताब बताइए, चाहे परीक्षा वाणी ले लो, चाहे